हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, यूर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक सिंपल टॉपिक, न्यूट्रल पॉइंट्स इन मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल पॉइंट्स? तो न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होता है बेटा, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, किसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एक्चुअल में वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। कैसे होती है? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों की वजह से जो वेक्टर सम आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होंगे? तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जब बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो। मीन्स अगर उन पॉइंट्स पे अगर मैं कंपास को रखूं, मैग्नेटिक कंपास को रखूं, दे शो नो डिफ्लेक्शन, वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, आर्बिट्री डायरेक्शन में अपने आप को सेट कर लेगी। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट्स क्या हैं बेटा? दीज आर दोज पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो कैसे हुआ? बार मैग्नेट है कोई, उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उस पॉइंट पे जीरो कैसे हुआ? जरूर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट होंगे, सो कैंसिल आउट ईच अदर। दोज पॉइंट्स आर नोन एज न्यूट्रल पॉइंट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, न्यूट्रल पॉइंट्स। तो न्यूट्रल पॉइंट्स क्या है बेटा? दीज आर दोज पॉइंट्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो दीज आर दोज पॉइंट्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? इक्वल एंड अपोजिट टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो एट दीज पॉइंट्स नेट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। नेट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं आप, इज जीरो। कैसे पता चलेगा हमें जीरो है? अगर इस पॉइंट पे हम क्या रखेंगे, मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे, तो वो अपने आर्बिट्री डायरेक्शन में अपने आप को सेट कर लेगी, वो नॉर्थ साउथ में नहीं जाएगी। इसमें हम दो केस डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्टली, अगर मैंने मैग्नेट को रखा, मान लीजिए ये हमारी ज्योग्राफिक साउथ नॉर्थ और ये ज्योग्राफिक साउथ अर्थ का, अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें जो हमने मैग्नेट प्लेस किया वो इस टाइप से प्लेस कर दिया, ये हमने कोई बार मैग्नेट प्लेस कर दिया। नॉर्थ पोल किधर है इसका? नॉर्थ की तरफ है। और साउथ पोल किधर है? साउथ की तरफ है। अब इसको हमने इस तरह से टू लाइन्स ड्रॉ कर ली। ये वाली जो लाइन है बेटा, इसको कहते हैं एक्सियल लाइन, जो दोनों पोल के बीच में से पास करती है। कौन सी लाइन है ये? एक्सियल लाइन। और जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है एक्सियल लाइन के, क्या है ये? एक्सियल लाइन। और ये लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं हम इक्विटोरियल लाइंस। अब किसी भी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, अंदर तो क्या होता है? साउथ से नॉर्थ, और बाहर क्या होता है? नॉर्थ से साउथ, इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को ड्रा करूँ, लाइंस को ड्रा करूँ, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो इस टाइप से हमारी कर्व शो करेगी। अंदर नॉर्थ से साउथ, बाहर सॉरी अंदर साउथ से नॉर्थ, और बाहर नॉर्थ से साउथ। तो ये मैंने डायरेक्शन शो कर दी, नॉर्थ से साउथ। और ये जो हमारी अर्थ है, ज्योग्राफिक साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कैसी होंगी? अगर इनको मैं ड्रॉ करूं तो वो इस टाइप से होंगी। बेटा दिस इज द डायरेक्शन। एक छोटे से रीजन के लिए हम इसको क्या ले सकते हैं? यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकते हैं। पर ये स्मॉल रीजन के लिए भी क्या है? वेरिएबल है।
अब देखिए, अगर मैं इसी में आपको दिखाऊं टू पॉइंट्स, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे, पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे बी की डायरेक्शन डाउनवर्ड, यहाँ पे बी की डायरेक्शन डाउनवर्ड, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ अपवर्ड, और ये जो हमारी डायरेक्शन है ये क्या है, अपवर्ड। तो इन पॉइंट पे क्या है बेटा, अपोजिट है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये हमें पॉइंट मिलेंगे इस लाइन पे, यहाँ पे हमें टू पॉइंट्स मिल जाएंगे लाइक दिस। यहाँ पे फिर देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको इस एक्सिस पे, टू पॉइंट्स मिले, कौन कौन से पॉइंट मिले, पी एंड क्यू। लेट अस कंसीडर पी एंड क्यू, दीज आर द टू पॉइंट्स वेयर कंपास नीडल, मैग्नेटिक कंपास शो नो डिफ्लेक्शन। तो ये जो पॉइंट्स होंगे बेटा, इनको हम क्या कहेंगे, पी एंड क्यू को न्यूट्रल पॉइंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। तो लेट अस कंसीडर ये हमारा डी डिस्टेंस अवे है, ये पॉइंट कितने डिस्टेंस अवे है, डी डिस्टेंस अवे है, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ बार मैग्नेट। तो यहाँ पे अगर इन पॉइंट्स पे मैं मैग्नेटिक फील्ड शो करूँ, तो ये पॉइंट कहाँ पे है, इक्विटोरियल लाइन पे है। ये मैग्नेट था हमारा, और ये कौन सी लाइन बताई मैंने आपको, इक्विटोरियल लाइन। कौन सी लाइन है बेटा, इक्विटोरियल वाली कंडीशन। तो पॉइंट्स कहाँ है इस बार, इक्विटोरियल लाइन पे न्यूट्रल पॉइंट है। तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, तो ये बी और एच इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था बेटा, इसमें आता है हमारा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम डी स्केयर प्लस एल स्केयर की पावर 3/2, डी स्केयर प्लस एल स्केयर की पावर 3/2। तो अगर डी, ये जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वेरी वेरी लार्ज एज कंपेरिजन टू लेंथ, इस लेंथ के कंपैरिजन में, मैग्नेटिक लेंथ के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डी को भी हम एल को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन डी स्केयर की पावर 3/2, डी स्केयर की पावर 3/2, टू से टू कैंसिल, मीन्स कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन डी क्यू। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसके इक्वल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एच। क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैग्नेट को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लेस किया हुआ है। कैसे प्लेन में प्लेस किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लेस किया हुआ है। तो बेटा इस फॉर्मूले पे, तो क्या फॉर्मूला आ गया हमारा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन डी क्यू एच, और ये ऑल्सो इक्वल टू बी। इस पे हमारे न्यूमेरिकल भी हम इसमें डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूले पे। तो फिलहाल आपको क्या समझना है बेटा, अगर नॉर्थ, इसको केस को क्या कहते हैं, नॉर्थ इन नॉर्थ एन एन, मीन्स जो मैग्नेट का नॉर्थ है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ में रखा है। फर्स्ट केस, मैग्नेट का नॉर्थ है ज्योग्राफिक नॉर्थ में रखा है, तो हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे न्यूट्रल पॉइंट्स, कौन सी लाइन पे मिले, इक्विटोरियल लाइन। और इक्विटोरियल लाइन का ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, तो उसके बिहाफ पे ये क्या आ गया हमारा, इस पे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। एक बार बेटा नोट कीजिए, एक केस और डिस्कस करेंगे इसमें, सेकेंड केस डिस्कस करते हैं बेटा न्यूट्रल पॉइंट के। इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट इन मैग्नेटिज्म। तो इस बार जो मैंने बार मैग्नेट को प्लेस किया, ये देखिए, ये तो ज्योग्राफिक क्या है हमारी, नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ, एंड दिस इज ज्योग्राफिक साउथ। इस टाइप से हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ये हमने क्या दिखाई, नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ। और इस बार जो मैग्नेट को प्लेस किया हमने, वो कैसे प्लेस किया, पहली बार नॉर्थ मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ था, इस बार नॉर्थ किधर है, साउथ की तरफ है। नॉर्थ किधर है, साउथ। तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है इस बार, और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। इज इट क्लियर, ठीक है। कैसे रखा हमने, इस बार नॉर्थ पोल किधर रखा है, साउथ में रखा है। मैग्नेट का नॉर्थ किधर रखा है, साउथ में रखा है। सेकंड केस उसी टाइप से डिस्कस करेंगे बेटे, जैसे इसमें ज्योग्राफिक साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलेगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे दिखा दी मैंने, वाइट इससे दिखा दी, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस एच। हर जगह पे ऐसी होंगी एच।
और इसकी वजह से जो लाइंस होंगी हमारी, इस मैग्नेट की वजह से, बार मैग्नेट की वजह से, अंदर साउथ से नॉर्थ बताया था मैंने, बाहर क्या होती है नॉर्थ से साउथ, तो बाहर नॉर्थ से साउथ का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, इधर से चलेंगी लाइन आपकी और इधर की डायरेक्शन में, इसी टाइप से इधर चलेंगी, ये दो लाइन मैंने आपको दिखाई। अगर इसी टाइप से मैं लाइन को शो करूं तो इन पॉइंट्स पे क्या होगा बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये एच, ये दोनों क्या आ जाएंगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्या हो जाएगा, एड मीन्स इस पे तो इक्वल एंड अपोजिट नहीं हो सकते, इक्वल हो सकते हैं पर अपोजिट नहीं हो सकते, ये क्या था एच और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, एड हो जाएगा। इधर से ये बात करें तो इस पे भी बी भी इधर आ रहा है और एच भी इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी भी इधर आ रहा है और एच भी इधर आ रहा है, तो यहाँ पे भी कैंसिल नहीं होगा। इन पॉइंट्स पे चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए ये एच ऊपर जा रहा है और इस पॉइंट पे अगर मैं एक लाइन और ड्रा करूँ तो ये बी कैसे जाएगा बेटा, नीचे जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट्स बी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऊपर, यहाँ पे जीरो हो सकती है, एच ऊपर है और इस पॉइंट पे क्या होगा, बी क्या होगा, नीचे होगा, लाइक दिस, बी कहाँ होगा, नीचे। तो ये पॉइंट मिलेंगे बेटा, जो लास्ट टाइम हमें पी क्यू मिले थे इक्विटोरियल लाइन पे, इस बार पी क्यू कहाँ मिलेंगे बेटा, ये वाली लाइन को क्या बताया था, एक्सियल लाइन, कौन सी लाइन, एक्सियल लाइन पे लाई करेंगे, एक्सियल लाइन, बाकी सिंपल है, हमने ड्राइव किया हुआ है। तो इस बार जो पॉइंट्स मिले हमें, हमने कंसीडर कर लिया डी डिस्टेंस पे मिले, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस बार म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, एक्सियल का केस में क्या फॉर्मूला आया था बेटा, टू एम डी, एम मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अपॉन डी स्केयर माइनस एल स्केयर की पावर टू, की पावर टू स्केयर, D is much greater than L, तो हम L को neglect कर देंगे, तो B is equal to, और ये किसके equal है, इन point पे B और H क्या हैं, equal, B और H क्या हैं, equal, तो mu naught upon 4 pi 2 md upon, इसको neglect करेंगे तो D की power 4, इस D से ये cancel क्या रह जाएगा, D क्यों, तो B is equal to mu naught upon 4 pi 2 m अपॉन डी क्यू, और ये किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। अर्थ का कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं, मैग्नेट कैसे प्लेस है, हॉरिजॉन्टली प्लेस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेटा। तो इस टाइप से न्यूट्रल पॉइंट के हमने दो केस डिस्कस किए, नॉर्थ इन नॉर्थ, जब नॉर्थ नॉर्थ में प्लेस है, और नॉर्थ इन साउथ। तो इस बार हमें कहाँ पे मिले न्यूट्रल पॉइंट्स, एक्सियल लाइन पे, क्यों मिले वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।